मशहूर सिंगर मीका को आखिर अपनी वोटी यानी दुल्हनिया मिल ही गई। नाम है आकांक्षा पुरी। स्वयंवर मीका दी वोटी रियलिटी शो के सोमवार को ग्रैंड फिनाले के टेलीकास्ट से पहले ही इस बात से पर्दा हट गया था कि 45 साल के मीका ने आकांक्षा के गले में माला डालकर अपनी दुल्हन के तौर पर चुन लिया। आकांक्षा का 26 जुलाई को 34वां जन्मदिन भी है। स्वयंवर मीका दी वोटी में टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में आकांक्षा पुरी के साथ प्रांतिका दास और नीत महल ने जगह बनाई थी। मीका सिंह से शादी करने के लिए शुरू में 12 लड़कियां देश के अलग अलग हिस्सों से आई थीं। फिर जैसे जैसे शो आगे बढ़ा वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री होती गई, जिनमें आकांक्षा पुरी भी शामिल थीं। अभी सिर्फ शो में मीका ने अपनी पसंद बताने के लिए ही आकांक्षा के गले में माला डाली, स्टेज पर रियल शादी नहीं हुई। मीका के मुताबिक वो शादी के बंधन में बंधने से पहले कैमरों से दूर आकांक्षा के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसके अलावा मीका ने आकांक्षा के परिवार वालों से भी मुलाकात की और नए सफर की शुरुआत के लिए उनका आशीर्वाद लिया। अब आपको बता दें कि मीका से आकांक्षा की जान पहचान 1 दशक से ज्यादा पुरानी है। दोनों सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर करते रहे हैं। हालांकि पहले वो इस रिश्ते को दोस्ती का ही नाम देते थे। आकांक्षा के मुताबिक जब रियलिटी शो में उन्होंने मीका को दूसरी लड़कियों के साथ देखा, तब उन्हें सिंगर को लेकर अपनी फीलिंग्स का सही एहसास हुआ। 26 जुलाई 1988 को जन्मी आकांक्षा मॉडल और एक्ट्रेस हैं। वो मूल तौर पर इंदौर से ताल्लुक रखती हैं। वहीं उनकी पढ़ाई हुई। grandpeoples.com के मुताबिक आकांक्षा के पिता आर के पुरी ACP रैंक के पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और मां चित्रा पुरी एस्ट्रोलॉजर है। आकांक्षा पुरी ने 2015 में मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स समेत बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम करने के साथ साउथ की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। किंगफिशर एयरलाइंस में इंटरनेशनल केबिन क्रू का हिस्सा रहते आकांक्षा ने मॉडलिंग असाइनमेंट्स शुरू किए। आकांक्षा को पहली बार 2013 में तमिल फिल्म एलेक्स पांडियन में ब्रेक मिला। आकांक्षा का नाम पहले बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा के साथ भी जुड़ा था। आकांक्षा और पारस ने 2017 में टीवी सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में साथ काम किया था। इसमें आकांक्षा ने माता पार्वती का रोल किया। इसी सीरियल में पारस रावण के रोल में नजर आए थे। बिग बॉस सीजन 13 के टेलीकास्ट के दौरान ही पारस का नाम उसी शो की कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा के साथ जुड़ने पर पारस और आकांक्षा का ब्रेकअप हो गया था। आकांक्षा ने उस शो में गेस्ट के तौर पर आकर ब्रेकअप पर अपना स्टैंड भी क्लियर किया था। अब देखना होगा कि मीका और आकांक्षा की रियल शादी कब होती है, या ये रिश्ता भी अन्य स्वयंवर रियलिटी शो की तरह सिर्फ टीवी के स्क्रीन तक ही सिमट जाता है और हकीकत में नहीं बदल पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।